हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एक्सरसाइज है ये, मिसलिनियस एक्सरसाइज है थर्ड की। अगर थर्ड की मिसलिनियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा होमवर्क और कुछ मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये होमवर्क है आपका, एक से लेके छह तक के जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करने। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, इनमें कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पहले जो मैंने पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है। उसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है आव्यूह कैपिटल ए का क्रम 3x4 है तथा कैपिटल वी इस प्रकार का आव्यूह है कि ए ट्रांसपोज इनटू बी एवं ए बी ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं, तो कैपिटल बी का क्रम लिखिए। तो आपको ये बताना है कि इस बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। ठीक है, यहां पर ए का ऑर्डर आपको गिवन है, बी का ऑर्डर आपको बताना है। आपको केवल ये दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज इनटू बी और ए इनटू बी ट्रांसपोज, ये दोनों डिफाइन है, मतलब परिभाषित है ही। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। आपको जो गिवन है वो क्या है, जो हमें गिवन है ए का ऑर्डर है 3x4। ठीक है, तथा एंड और क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इनटू बी एवं ए बी ट्रांसपोज दोनों परिभाषित हैं, ये दोनों डिफाइन है। ए ट्रांसपोज इनटू बी एवं ए बी ट्रांसपोज दोनों कैसे डिफाइन। अच्छा, डिफाइन कब होते हैं प्रोडक्ट। अब यहां देखो ए का ऑर्डर आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 4x3। तो ए ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, जब आप इसमें बी का इंटू करेंगे तो बी में नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, जितने ए ट्रांसपोज में कॉलम होंगे उतने ही बी में क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। यानी बी का जो ऑर्डर देखेंगे आप तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि बी में नंबर ऑफ जो रो है वो कितनी है, 3 है, क्योंकि बी में अगर नंबर ऑफ रो 3 होंगी तभी मल्टीप्लाई हुआ होगा। यानी कि बी का जो ऑर्डर होगा, इसका पूरे का ऑर्डर बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बताया आपको 4x3 है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बी का ऑर्डर क्या है। तो बी का, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई डिफाइन है तो इसका मतलब बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहा होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने ही बी में क्या रहे होंगे, रो, यानी बी में रो हो गई 3। ठीक है, उसके बाद यहां देखो ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम है, ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, तो बी ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो कितनी रही होंगी, 4, यानी बी ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो जो होंगी वो होंगी 4, क्योंकि अगर बी ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो 4 है तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई डिफाइन होगा। तो इस बी का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3x4, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4x3। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है तो वो तब होता है जब उसकी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो उन दोनों का गुणा पॉसिबल है। तो इससे यहां पर यह पता चला है कि ए ट्रांसपोज में जो नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही बी में क्या होंगे, रो होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर बी ट्रांसपोज की बात करें हम, अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइन है तो ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही बी ट्रांसपोज में क्या होंगे, नंबर ऑफ रो। तो इससे पता चला कि बी में रो है 3 तो कॉलम कितने होंगे, 4, और बी ट्रांसपोज में रो कितनी हो जाएंगी, 4, और कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। तो ये इसका जो आंसर हुआ, अतः आव्यूह कैपिटल बी का क्रम कितना हुआ, क्रम भाई क्रम हो गया इसका 3x4 है, ये आपको याद करना। ठीक है, करो इसको नोट।
नेक्स्ट देखिए आप, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टी है, पर यहां पर दो चीजें जो मुझे बतानी थी आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ये यूज होती है, वो मैंने यहां पर लिखाई है। नंबर वन, यदि कैपिटल ए कोई वर्ग आव्यूह हो, एक क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक हो, तथा उसके सभी अवयव वास्तविक संख्याएं हो, तथा उसके सभी अवयव वास्तविक संख्याएं हो, तो ए प्लस ए डैश, ए डैश का मतलब ए का परिवर्त आव्यूह, ए का ट्रांसपोज, सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक आप जानते हो क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ए माइनस बी पॉइंट, ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक। और ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आए? माइनस आ जाए उसके आप सामने। अगर ए का ट्रांसपोज कर रहे हो आप और आ जाए माइनस ए के इक्वल, तो आप कहोगे कि ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे, और इसके कई सारे एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, और मैं कराऊंगा भी आपको यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। योग के रूप में कैसे लिखते हो? जैसे माना अगर कैपिटल ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वर्ग आव्यूह है, देन तब ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? पी प्लस क्यू, वेयर, जहां पर पी किसके इक्वल होगा? वन बाई टू ए प्लस ए डैश, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। और ये जो मैट्रिक्स इधर आएगी, ये वाली, ये जो पी है आपकी, जिसके इक्वल है ये पी कैसी होगी? सममित यानी सिमेट्रिक। और क्यू कैसी होगी? वन बाई टू ए माइनस ए डैश, ठीक है, ये कैसी होगी? विषम सममित आव्यूह। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये दोनों चीज आपको समझनी है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, और इस सेकंड वाली की एप्लीकेशन हमारे एग्जांपल भी है कई सारे, वो आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, वो कहेगा कि सर ये मैट्रिक्स है, आप इसको एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। तो आपको उसको किस रूप में लिखना है? a इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो p की वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई टू ए प्लस ए डैश, ए का ट्रांसपोज, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई टू ए माइनस ए डैश। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, और p प्लस क्यू को a के इक्वल रख देंगे, तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो किसके रूप में आ जाएगी? एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आ जाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिकल तथा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना होता है आपको, तो आपको p और q की वैल्यू क्या करनी होती है, और उसको उस मैट्रिक्स के इक्वल रख देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए दोनों प्रॉपर्टीज को। ठीक, नेक्स्ट इस मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। ये कह रहा है यदि a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक सममित आव्यूह है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी आएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यहां पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है कि a डैश इक्वल टू a, a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? a की, क्योंकि a क्या है? सिमेट्रिक है। तो पहले आपको क्या लिखना है इधर लेफ्ट में? a का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कितना होगा बोलो? इसका ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? रो को कॉलम में चेंज करना होता है, तो रो, पहली रो क्या बन जाएगी? पहला कॉलम
माइनस टू माइनस वन और वन माइनस वन सेकेंड रो को क्या बना देंगे सेकेंड कॉलम सेवन और फोर। इस थर्ड रो को क्या बनाएंगे थर्ड कॉलम वन माइनस एक्स माइनस थ्री। ये किसके इक्वल है ए के, इसको इक्वल रख देंगे जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसके इक्वल माइनस टू माइनस वन वन माइनस वन सेवन फोर वन माइनस एक्स माइनस थ्री। अब आप देखो इसका ऑर्डर कितना है, ये थ्री बाई थ्री की है और ये भी थ्री बाई थ्री की है और ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है इक्वल है एक दूसरे। तो अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होती हैं इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए यानी इक्वल होंगे। तो आप इन दोनों को देखो, आप इन दोनों की तुलना करो, यहां देखो माइनस एक्स आ रहा है और इधर क्या आ रहा है यहाँ पे फोर आ रहा है तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, दोनों तरफ माइनस, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा ये जाएगा माइनस फोर, या दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप इसको यहां पे इसके इक्वल रख दो या फिर इस माइनस एक्स को यहां फोर के इक्वल रख दो। बात एक ही है दोनों, यानी दोनों मैट्रिक्स क्या है एक दूसरे के बराबर है और जब बराबर होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं कि वो समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस दो है यहाँ माइनस दो है यहाँ माइनस वन है यहाँ माइनस वन है ये वन है ये वन है ये वन माइनस वन है ये माइनस वन है ये सेवन है ये सेवन है। तो जो माइनस एक्स है ये किसके इक्वल होगा फोर के, तो माइनस एक्स इक्वल टू फोर, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस फोर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल भी है। ये आपसे कह रहा था कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दी हुई है कैपिटल ए और आपसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्तन आप लिख के उसको ए के बराबर रख दिया और दोनों तरफ से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। नेक्स्ट देखिए आप मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दोनों अपने आप करने हैं, ये मैंने जितने भी पढ़ाए हैं उसी तरह के क्वेश्चन है। अब आप देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है ना आपको सेकंड वाली उसी के तरीके से करना है इसको। आव्यूह कैपिटल ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, ये एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 6 2 5 4। ठीक, अच्छा इसको आपको एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं हम, therefore a इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है p प्लस q, where जहां where p इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, q इक्वल टू क्या होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहां पे ए का परिवर्त आव्यूह, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 6 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 4, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है और क्यू कैलकुलेट करना है। पी की वैल्यू क्या होगी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। नाउ P इक्वल टू 1/2, पहले आपको A मैट्रिक्स कितनी है, A मैट्रिक्स कितनी है हमारी 6 2 5 4 प्लस क्या लिखना है A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज कितना है, A का ट्रांसपोज है 6 2 5 4, दोनों को ऐड करो 1/2
और छह कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2, और ये 5 कितना हुआ 7, 5 2 7, 4 और 4 8, तो का डिवाइड कर देंगे आप, तो का हर एलिमेंट में डिवाइड होगा इसके मैट्रिक्स के, यानी 6 7 बाई 2 7 बाई 2 4, ये पी की वैल्यू आ गई। एंड सिंस क्यू इक्वल टू 1/2, क्यू क्या है आपका ए माइनस ए का ट्रांसपोज, पहले ए लिखना है, ए है हमारा 6 2 5 4, ठीक है, फिर माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कितना होगा 6 2 5 4, 1/2, 6 और 6, ये 6 में 6 माइनस हो जाएगा 0, ये 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के 3, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी क्यू आ गया हमारा 0 माइनस 3/2, 3/2 0, क्यू की वैल्यू हो गई। इस पी की वैल्यू को और क्यू की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, इक्वेशन वन, तो यहां लिखेंगे आप पी तथा क्यू के मानों को समीकरण एक में रखने पर, पी तथा क्यू के मानों को समीकरण एक में रखने पर ए इक्वल टू, पी की वैल्यू पुट करो पहले, पी की वैल्यू कितनी है बोलो, 6 7/2, 7/2 4 प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 0 माइनस के 3/2, 3/2 0, ये आपका आंसर हो गया। आपको क्या करना था, मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना था, उसका तरीका मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखते हो तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू, यहां पर पी क्या होता है हमारा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और क्यू क्या होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए आपको गिवन था, तो आपने पहले क्या कैलकुलेट किया, पी कैलकुलेट किया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और जो पी है ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक, एक सममित आव्यूह बनेगा। फिर उसके बाद हमने क्यू कैलकुलेट किया, क्यू क्या होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये जो क्यू मैट्रिक्स होगी ये कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह, ठीक है, तो किसी आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना है ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्लियर है, तो आपको ये समझना है, और ये कोई भी मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि आपको गिवन होगी ये, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर ये 2/2 की थी, 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं, पहले आप उनको करेंगे, फिर एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं करा दूंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे, और इसको लिखना है आपको कॉपी में, पेयर में, मैं पेयर में चेक करूंगा, जब आप लोग स्कूल आएंगे तब मैं चेक करूंगा कि आपने किया काम कि नहीं किया है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कीजिए पहले आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस का ही क्वेश्चन नंबर है 24, ये क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स है ये और एक दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों गुणा के रूप में लिखी हुई, और ये किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के, जहां वेयर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू है 2m-1 इंटू पाई बाई 2, यहां m क्या है, लॉग इंटू कैपिटल n,
ये कैपिटल एन क्या है यहाँ पे? कैपिटल एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो आप, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका सॉल्यूशन देखो आप 24 का, ये आपको गिवन है। तो इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स में आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हमें लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है, और इसको आपको प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, जीरो के। कब है ये इक्वल? जब अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 2m-1 × π/2 है, वेयर m बिलोंग इनटू कैपिटल n। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, यहां लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वेयर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वेयर अल्फा इनटू कॉस स्क्वेयर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वेयर बीटा, करो मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं पर आप लोगों ने भी किए होंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका मल्टीप्लाई होगा यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा यहां पे प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा साइन बीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस बीटा साइन बीटा, और इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई होगा आपका यहां, यानी cos alpha into sin alpha into cos square beta plus, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे sin square alpha into cos beta into sin beta। second row second column, इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है cos alpha into sin alpha into sin alpha, और ये आ जाएगा इनटू में कॉस बीटा इनटू साइन बीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो कॉस अल्फा कॉमन है ना, और एक कॉस बीटा कॉमन है, यानी कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा cos alpha into cos beta, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, cos alpha कॉमन चला गया, यहाँ पे बचेगा sin alpha, cos beta कॉमन चला गया तो क्या बचेगा sin beta। ये फॉर्मूला बनना है cos a cos b plus sin a sin b, किसका फॉर्मूला है, cos a minus b का, तो ये हो जाएगा cos alpha minus beta। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में cos alpha कॉमन है और साइन बीटा कॉमन है, कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है और साइन बीटा कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस यहां से कॉस अल्फा कॉमन चला गया, ये साइन स्क्वायर बीटा है तो एक साइन बीटा कॉमन आ गया, एक साइन बीटा बचा, तो क्या बचा यहां पे साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। नेक्स्ट आगे चलो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन है साइन अल्फा कॉमन है एक तो, अच्छा और क्या कॉमन है, कॉस बीटा कॉमन, यहां से साइन अल्फा कॉमन गया, क्या बचा यहां कॉस अल्फा, अच्छा कॉस अल्फा बचेगा यहां पे,
और उसके बाद यहां से साइन अल्फा कॉमन चला ही गया है, एक ये क्या है कॉमन, कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉमन क्या है कॉस स्क्वायर है, एक बचेगा इनटू कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉमन क्या है यहां साइन स्क्वायर है तो एक साइन अल्फा बचेगा, अच्छा कॉस बीटा कॉमन क्या है एक साइन बीटा बचेगा इनटू साइन बीटा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यहां से साइन अल्फा कॉमन लो गया क्या बचेगा कॉस अल्फा बचेगा, एक तो साइन अल्फा कॉमन चला गया और ये साइन बीटा कॉमन चला गया तो कॉस बीटा बचेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा है इसमें से एक साइन अल्फा कॉमन गया क्या बचा साइन अल्फा और एक साइन बीटा कॉमन गया तो एक बचा साइन बीटा, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन क्या आ रहा है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, क्या बचा इसमें अंदर देखो आप, यहां पे बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यहां क्या बचा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यहां पे क्या बचेगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और यहां पर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बचेगा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी ये फॉर्मूला हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं आप लोग यहां पे ध्यान देना इसका, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहां पर क्या है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया, यानी ये हो गया आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, मैट्रिक्स के अंदर देखो क्या बच रहा है, ये है आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है भाई। अच्छा यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात है, जो आपको दिया हुआ है ऊपर क्या दिया हुआ है, सिंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू है 2m माइनस 1 पाई बाई 2, यहां पर m जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आपको बता चुका हूं क्या होता है 1 2 3 4 5 ये सब क्या है नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्याएं हैं, तो m की जो वैल्यू होगी वो 1 2 ऐसे रखी जाएगी, तो अगर मान लो m की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 यानी पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ पाई बाई 2 तो रेडियन है, डिग्री में कितना मान होगा इसका 90 डिग्री, और यहां पर रखेंगे आप अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पर कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 1 और कॉस 90 0 होता है, तो ऐसे ही और भी है, फिर उसके बाद 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 की भी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये जो वैल्यू है देन इंप्लाइज कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ये जो वैल्यू होगी कॉस अल्फा माइनस बीटा की वो कितनी होगी जीरो, यानी इसके प्लेस पर यहां पे क्या आ जाएगा जीरो, तो यहां पे जीरो रखेंगे आप, ये बन गया आपका जीरो और ये मैट्रिक्स होगी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है भाई। आप लोग देखो यहां ध्यान दो, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें तो जीरो का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और जीरो का मल्टीप्लाई करने पर ये सब क्या हो जाएंगे जीरो, यानी जीरो 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 जीरो, टू बाई टू की जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये जो लिखा है ना आपने ये क्या है टू बाई टू की नल मैट्रिक्स है,
और यही हमें प्रूफ करना है। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यहां दो मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, ये मल्टीप्लीकेशन में थी, और इसके इक्वल आपको जीरो प्रूफ करना था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, और लास्ट में हमारा क्या बना, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू ये वाली मैट्रिक्स बनी पूरा कैलकुलेट करने के बाद। और अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितना, 2m-1 × π/2। अब m की जो वैल्यू है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, इस तरह से होते हैं। तो यहां पर आप m के प्लेस पर 1, 2, 3 सक्सेसिवली रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आती जाएंगी। तो अगर अल्फा माइनस बीटा 2m-1 π/2 है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इसके प्लेस पर यहाँ जीरो रख देंगे, ये जीरो आ गया, और इस पूरी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस जीरो का इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसके हर एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगी, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह जिसको बोलते हैं हम। तो जीरो का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जीरो लिखते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RT, ये जीरो का मतलब है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। वैसे ये O है, हम O बोलते हैं पर जीरो भी पढ़ सकते हो, ये जीरो मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, 2 by 2 की होगी। तो LHS इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। तो इस 24 क्वेश्चन को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे, और बिना बहाना बनाए, कोई भी बहाना नहीं बनाना है कि साहब मैं ये नहीं था, वो नहीं था, मोबाइल नहीं था, सब सब बहाने को छोड़ के आपको जो मैं काम दे रहा हूँ उस काम को आपको एकदम क्रम से करते जाना है। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ वो आपको करने हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँ। आपको बताइए, मेरा नंबर सबके पास है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मैं आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे। और अगर कोई दिक्कत आ रही है कैसी भी तो आप मुझे वैसे पूछ सकते हो फोन करके, सर कैसे क्या है। लेकिन ये करना है काम, क्योंकि पता नहीं ये कब तक रहेगी प्रोसेस, ऑफलाइन क्लास कब से होगी हमें अभी नहीं पता है। तो तब तक ऑफलाइन नहीं हो रही है, तब तक आपको इसी तरीके से ऑनलाइन रेगुलर पढ़ाई करनी है। जितना मैं करा रहा हूँ वो तो करना ही है, उसके अलावा जो जो मैं काम दे रहा हूँ वो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके।